जनाब आ गया हूँ मैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। उज़्बेक उज़्बेक ताजिक ताजिक ओ दुशांबे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बारह बज के 40 मिनट पर समरकंद पहुँचेगी, फिर बुखार और लास्ट। वाई डिड यू कम टू उज़्बेकिस्तान? तो भाई साहब वेलकम टू बुखारा। तो जनाब गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड। तो भाई साहब फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और अभी इस वक्त मैं जहाँ पे बैठा हूँ ये है भाई ताशकंद का एक रेलवे स्टेशन, और मैं अभी जा रहा हूँ वेस्टर्न साइड ऑफ उज़्बेकिस्तान जो कि बुखारा एक सिटी है, वहीं पे मैं जा रहा हूँ। और एक्चुअली सुबह 9 बजे की मेरी ट्रेन है। तो फिलहाल भाई कुछ यूँ है ये रेलवे स्टेशन। मैं वैसे एक घंटा पहले मुझे रिपोर्टिंग देनी थी, मैं बहुत जल्दी आ गया। अभी समय हुआ है 7:30। काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। अभी फ़िलहाल जो मैं हूँ वो ईस्टर्न साइड, अगर आप उज़्बेकिस्तान के मैप को देखो तो ताशकंद जो है वो एक तरीके से ईस्टर्न साइड में है। और मुझे अभी ट्रैवल करते हुए जाना है वेस्टर्न उज़्बेकिस्तान। और जिस सिटी में जा रहा हूँ वो है बुखारा, जो कि यार एंशियंट टाउन मीन्स इस दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिटी मानी जाता है। यूनेस्को द्वारा डिसाइडेड हेरिटेज ये सिटी भी है। उसका जो मेन सेंट्रल सिटी सेंटर जो है वो पूरा सिटी सेंटर जो है पूरा वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर्ड है यूनेस्को से। तो बड़ा मज़ा आने वाला है वो सिटी देखने में। और भाई साहब 7th century 2500 साल पहले की वो सिटी अभी तक एग्जिस्ट कर रही है। तो भाई कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी फ़िलहाल ये स्टेशन और यार ये स्टेशन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेशन है उज़्बेक का। यहीं से कजाकिस्तान के लिए, इवन तजाकिस्तान के लिए ट्रेन चलती है। वेतन उज़्बेकिस्तान तो ट्रेन चलती है, बट अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए भी यहीं से ट्रेन चलती है। पूरा ये स्टेशन को देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ ट्रेन को बोर्डिंग करने वाले लोग ही यहाँ पे दिखेंगे। टिकट का सेंटर जो है वो साइड वाले बिल्डिंग में है, और यहाँ पे आपको विदाउट टिकट इस प्रीमाइसिस में इस बिल्डिंग में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आगे से प्लेटफॉर्म शुरू हो जाएगा। तो वही अभी समय है मुझे, तो फिलहाल बस यहीं पे बैठा हूँ मैं अपना बोरिया बिस्तर लेके। तो निकलता हूँ फिर थोड़ी देर के बाद, फिर मिलता हूँ आपसे ट्रेन में। और हाँ आपको ट्रेन की टिकट में अगर बता देता हूँ इसकी, यार मुझे 1.5 लाख सोम की टिकट मुझे हुई है। ये है ट्रेन टिकट। और भाई साहब विदाउट पासपोर्ट यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। पासपोर्ट देखा जाएगा अगर आप बाहरी नेशनल के हो तो, और इवन टिकट बुक करने के समय भी आपको पासपोर्ट की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। तो हाँ आपको पासपोर्ट यहाँ पे लाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो टिकट नहीं हो पाएगी आपकी यहाँ पे बुक। इंडिया सामान तो है नहीं कि हर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकेंगी और कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी। तो इसलिए बस स्टेशन में आ गए छोटे से सुपर मार्केट में, और ऐसे कुछ खाने पीने के आइटम उठा लेता हूँ। समय पर कुछ नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी मुझे। ये एक लेस, एक कुछ केक टाइप, और अपना इंडियन समोसा, यहाँ पे बोलते हैं सोमसा इस टाइप, बट इसमें मीट मिक्स होता है। तो एक समोसा तो, और साथ में कुछ है ही मेरे पास, तो निकल जाएगा ट्रेन का सफ़र। ओके हाउ मच? 32,000। ओके सामान ले लिया हूँ मैं, और अभी जा रहा हूँ अंडरग्राउंड बेसमेंट से प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे मेरा है अभी ट्रेन। तो वही अभी, और ये तो 2, 3, 4, 6 तो इसी साइड में होना चाहिए। अच्छा आगे काफ़ी अच्छा है यार स्टेशन, बेहतरीन स्टेशन है भाई। देखिए 5 और 6। जनाब आ गया हूँ मैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे, और इस साइड जो आप देख रहे हो वो है भाई बुलेट ट्रेन उज़्बेकिस्तान की। और हाँ उज़्बेकिस्तान में भाई बुलेट ट्रेन चलती है, और जिस ट्रेन से अनफॉर्चुनेटली मैं जा रहा हूँ ये है नॉर्मल ट्रेन। एक्चुअली बुलेट ट्रेन सीट्स अवेलेबल नहीं थी, और तो मुझे इस ट्रेन की टिकट निकालनी पड़ी। और जो बुलेट ट्रेन है टाल्गो एफ्रोसियोब
बुलेट ट्रेन को एक्चुअली यहाँ पे अफ्रोसियोब बोला जाता है। तो ये बिल्कुल हाई स्पीड ट्रेन है भाई। और अभी जैसे मैं बुखारो जा रहा हूँ, ये ट्रेन सपोज 5 घंटे में छोड़ेगी, तो जो नॉर्मल ट्रेन है जिस ट्रेन से मैं जा रहा हूँ ये मुझे 8 घंटा लगाएगी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि काफ़ी डिफरेंस है। तो इसके वजह से मुझे इसके टिकट जो है काफ़ी सस्ते में पड़ी है। फिर ट्रेन मेरी लग चुकी है और अभी मैं करता हूँ बोर्ड। इट्स गोइंग टू बुखारो ना? बुखारो, या एट व्हाट टाइम इट विल रीच? एट व्हाट टाइम इट विल रीच देयर? 6 आवर? हाउ मेनी आवर्स? समझ नहीं पा रहा है भाई। चलो कोई नहीं, गुड गुड। यहाँ के टीसी लोग खड़े हैं और ट्रेन तो सही लग रही है, सही लग रही है। जो टिपिकल मैं कजाक में सोवियत ट्रेन जो जिससे सफ़र किया था, इससे तो काफ़ी बेहतरीन ट्रेन लग रही है। भले ही थोड़ा टाइम लेगी बट ट्रेन सही है ये। बट बुलेट ट्रेन की टिकट मिल जाती तो ज़्यादा बेहतर होता मेरे लिए। 13C?13C शायद आगे है। और भाई हर बर्थ पे यहाँ पे टिकट कलेक्टर टिकट चेकर बैठे हैं, लोग ही नहीं यार, पूरा स्टेशन खाली है, लोग ही नहीं है यहाँ पे। ट्रेन तो सही लग रही है भाई, स्लीपर नहीं है, सीटिंग है, देखते हैं। सलाम अलैकुम। 13C? 13C? 1, 2, 3. ओके ओके, रामत। ताशकंद बुखारो। भाई उज़्बेकिस्तान में यार बुलेट ट्रेन चल रही है भाई, अनएक्सपेक्टेड मेरे लिए। पता नहीं था यार यहाँ पे बुलेट ट्रेन भी चलती होगी, सोचा नहीं था कभी। वेलकम ऑन बोर्ड। सही है यार, ट्रेन बढ़िया है यार, वन नंबर सीट है मेरी। भाई साहब ये है मेरी सीट। और यार ट्रेन पूरी खाली है, सिर्फ कुछ ही बंदे मिले हैं जो यहाँ पे बैठे हैं। उज़्बेक? 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 ताजिक? ताजिक? ओ दुशांबे, गुड। उज़्बेक? उज़्बेक? ओ तो काफी गया है उज़्बेक? उज़्बेक? बहुत कम लोग है यार यहाँ पे, लोग ही नहीं है, पूरी ट्रेन खाली है भाई। और पूछा मैं बंदों को तो बोल रही कि 3 बजे पहुँचेगी बुखारो, तो बट समरकंड होती हुई जाएगी, बट जाना है मुझे बुखारो ही, देखते हैं। ठीक है यार, मीन्स अगर 6 घंटे में पहुँच रही है और बुलेट ट्रेन जो है वो 4 घंटे में या फिर 3 घंटे में पहुँच रही है, तो यार ज़्यादा डिफरेंस तो है ही नहीं। ठीक है, टिकट भी सस्ते में मिल गई है और ट्रेन का बुलेट से कम है ये भाई, बढ़िया ट्रेन लग रही है मुझे तो। और ये समय इस ट्रेन का डिपार्ट होगी 9:09 पे, ताशकंद, गुलिस्तान, जिकस, समरकंद। 12:40 पे समरकंद पहुँचेगी, फिर बुखारो लास्ट 3 बजे। सही है यार, 3 बजे पहुँच जाऊँगा मैं। अब आ रहे हैं लोग। $4 million. $4 million на доллар сколько будет? $4 million сум. $4 million сум. Сум. Poor, very poor. this what? Гол? Гол?
गोल्ड 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 भाई यहाँ पे हर बंदे के दांत में यार ये दिखेगा और बड़े फनी लगते हैं और दिखता भी अच्छा है भाई, बड़ा अच्छा दिखता है। चलो अभी तो खैर समय है 8:30 हुआ है और आधा घंटा और बचा हुआ है, कुछ तो भी कन्वर्ट कर रहा है बंदा। कन्वर्ट ट्रांसलेट उसका काम ही नहीं कर रहा है इंटरनेट। Why did you come to Uzbekistan? Kazakhstan. Nima ish bilan shug'ullanasan? What's your job? Ana bilan ikkalamiz. Bu yoqki? Bu yoqki. What do you do? I'm working. लैंग्वेज बैरियर बहुत इशू है बट फिर भी ये कन्वर्ट कर रहा है, पूछ रहा है कि आप क्या करते हो इंडिया में। आई वर्क इन गवर्नमेंट, हिंदुस्तान या भाई ट्रेन पूरी खाली है, समय हो गया है बट नहीं पहुंची अभी भी भाई। अपने ग्रुप के अमिताभ बच्चन, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कांदा यक्षम। रामर गुड, बुखार बुखारा 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 ओके ओके या गुड। हाय सन टू का पिक्चर, डू यू लाइक इट? योर सन सन қайтадан 28-ге кіріп кетірдім. Откуда? Я с Москвы деді. О, я очень люблю мен, я там был. सब ट्रेन अभी निकल चुकी है और राइट टाइम पे ट्रेन निकली और अभी फिलहाल आ गया हूँ मैं ताशकंद सिटी के काफ़ी आउटसाइड। और भाई ये रहा भाई ग्रीनरी तो यार दिख रही है, ग्रीन लैंड तो दिख रहा है। उज़्बेकिस्तान में इतनी ग्रीनरी है नहीं जितनी ही इस रूट पे मुझे दिख रही है, बट खैर काफ़ी अच्छा व्यू और फार्मलैंड। और भाई साहब आपको अगर नहीं पता होगा मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, यहाँ का जो है उज़्बेकिस्तान सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कॉटन। यहाँ के जो गवर्नमेंट सर्वेंट है और जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं उनको मैंडेटरी है कि आपको साल में एटलीस्ट 2 महीना कॉटन फार्म में आपको काम करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है इनके पॉलिसी में और आप नहीं बच सकते, आपको करना ही पड़ेगा। इस तरीके के फील्ड पे जाके आपको 2 महीना यहाँ पे उनको सर्विस देना पड़ेगा कॉटन प्रोडक्शन में, तो एक तरीके से अच्छा भी है। और इसके वजह से उज़्बेकिस्तान को वाइट गोल्ड कहा जाता है। तो जितने भी आप फार्म देख रहे होंगे मोस्टली कॉटन की ही है और यहाँ पे कॉटन बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कॉटन। और ये कुछ छोटा विलेज, साफ सुथरा तो है यार, काफ़ी क्लीन लेने से बिल्कुल भी कचरा आपको नहीं दिखेगा। मीन्स मुझे लगता है कि पूरा सेंट्रल एशिया सेम होगा, आपको बिल्कुल भी गंदगी नहीं दिखेगी कहीं पे भी। और बस अभी ट्रेन में सफ़र लंबा है तो लोग अपना सो गए हैं ट्रेन के अंदर। आपको ट्रेन का सब देता हूँ, कुछ इस तरीके की है ये ट्रेन।
दुबई टॉयलेट यहाँ का और इस टाइप के स्क्रीन हर कोच में आपको देखने को मिलेगा और ऊपर साइड में लगेज रखने का। बेटर है कि भाई आप बाहर से यहाँ पे खाना पीना लाओ, अंदर जो है अंदर सेल करते हैं और जो भी चीज़ आपको मिलेगा काफ़ी महंगे रेट में मिलेगा। एक बंदा बेच रहा है बट हाँ काफ़ी महंगा मिलेगा, तो ये बेटर है कि भाई अपना साथ खाने पीने की चीज़ें रखें। इस तरीके से भाई यहाँ पे बेच रहे हैं बट थोड़ा महंगा है बाहर के मुकाबले। ये भाई कुछ बर्गर बेच रहा है बंदा। हाउ मच? 15 20 एंड दिस ग्राम बर्गर हाउ मच? 20 थैंक यू 20,000 का बर्गर। कोई भाई एक स्टॉप आया हुआ है तो यहाँ पे रुकेगी 10-15 मिनट रुके। वैसे ही ताशकंद से बुखारो के लिए जो रूट है ज़्यादा स्टॉपेज ही नहीं, टोटल 5 स्टॉपेज है और छठवां स्टॉपेज लास्ट रहेगा हमारा बुखारो का। तो ये कोई आइए एक सिटी गुलिस्तान एक सिटी आइए। ये सही है कि ज़्यादा स्टॉपेज है ही नहीं है इस ट्रेन के, तो मुझे लगता है कि राइट टाइम पहुंच जाएगी ट्रेन, 3-3:30 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। देखते हैं। तो भाई साहब अभी आए हूँ मैं समरकंद स्टेशन करीबन 3.5 घंटे के बाद, उसके बाद और 2 स्टेशन बचे हुए और भाई कुछ यू है और कुछ स्टेशन पे समरकंद नान मीन्स वही जो ब्रेड है इसी को नान कहते हैं यहाँ पे। हाउ मच? 10 ओके। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही देर रुकती है क्योंकि मेन सिटी है समरकंद की, ताशकंद के बाद सबसे मेन सिटी सबसे बड़ी सिटी यही है। भाई साहब वेलकम टू बुखारा एंशियंट सिटी ऑफ उज़्बेकिस्तान। बिल्कुल राइट टाइम यार, राइट टाइम ट्रेन पहुंची है यहाँ पे, 5 मिनट इधर से उधर नहीं। भाई अगर नॉर्मल ट्रेन ही इस समय के साथ बिल्कुल चले तो यार इस बुलेट ट्रेन की क्या ज़रूरत है भाई। तो फाइनली आ गया हूँ बुखारा जो कि ताशकंद से करीबन 600 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था। ये जो अंकल बैठे यही के बुखारा मेरे ही बगल में बैठे थे। बढ़िया यार, लोग अच्छे, काफ़ी अच्छे लोग मिले, मेरा समय निकल गया ट्रेन में। बट यहाँ पे वेदर यार बड़ा ठंडा वेदर है, चिल्ड है। या बुक्सोरो, यहाँ पे स्टेशन पे बुक्सोरो लिखा है बट एक्चुअली बुखारा वो बोलते हैं, यहाँ पे बुखारा ही बोलते हैं एक्चुअली। भाई बुलेट ट्रेन के आगे मैं खड़ा हूँ,
जितने भी रेलवे स्टेशन अभी देखा हूँ मैं रूट में, भाई सब खूबसूरत है यार, देखने ही मज़ा आ जाता है स्टेशन पे। ऐसे लगता ही नहीं है कि यार किसी रेलवे स्टेशन में, अपन इनका आर्किटेक्चर डिज़ाइन मज़ा आ जाता है देख के। और सिटी यार काफ़ी बड़ी, और उज़्बेकिस्तान की बात करो तो 6th लार्जेस्ट सिटी है उज़्बेकिस्तान की, और पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो 280,000 के करीब, 3,00,000 मान के चलिए 3,00,000 के करीब पॉपुलेशन है यहाँ की। तो बस अभी यहाँ से करता हूँ मैं एग्ज़िट और फिर निकलता हूँ अपने गेस्ट हाउस, किया पहला गेस्ट हाउस बुकिंग मेरा उज़्बेक का इस ट्रिप का।